इस बीच तमाम दर्शकों को अहम तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए जिन जिन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास होना है, प्रधानमंत्री उन शिलापटों की तरफ आगे बढ़ते हुए उनके साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं। साथ में गीता प्रेस के जो संचालक हैं वो भी प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं। गीता प्रेस के संचालक उनको तमाम जानकारियां दे रहे हैं। देखिए जब भी गीता प्रेस का नाम सामने आता है तो गीता प्रेस वो संस्था है जिसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए बीड़ा उठाया, और भले ही वो ज्यादा फायदे में ना रही हो, लेकिन जब भी धर्म के प्रचार की बात सामने आई, लोगों तक धर्म के ज्ञान को पहुंचाने की बात सामने आई, गीता प्रेस ने उस भूमिका को बहुत ही मुखरता के साथ जो है आगे बढ़ाया है और बहुत संबलता के साथ आगे बढ़ाया है। कई बार बीच बीच में भी गीता प्रेस के बंद होने की खबरें सामने आई, लेकिन गीता प्रेस ने अपने जो साहस है, अपने जो सामर्थ्य है, उसका परिचय हर वक्त दिया है, हर क्षण दिया है, और लोगों को बताया है कि साहस और जुनून से बड़ा कुछ नहीं होता। लीला चित्र मंदिर का अवलोकन प्रधानमंत्री इस दौरान कर रहे हैं। जो तस्वीरें आप देख पाएंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री के साथ मौजूद हैं, गीता प्रेस के संचालक मौजूद हैं, और इस दौरान जो राज्यपाल हैं उत्तर प्रदेश की, वो भी इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। साथ में दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य दोनों ही इस कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं। आज का क्षण पूर्वांचल के लिए, उत्तर प्रदेश के लिहाज से तो बेहद खास और पूर्वांचल के लिहाज से भी बेहद खास और इम्पोर्टेंट हो जाता है। जब प्रधानमंत्री आज सौगात दे रहे हैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश को, संपूर्ण पूर्वांचल को, क्योंकि समझिए आज प्रधानमंत्री का दौरा उत्तर प्रदेश के लिहाज से क्यों बेहद खास और इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 24 लोकसभा चुनाव का जो रास्ता है वो उत्तर प्रदेश के बिना तय नहीं हो सकता है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं, जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा राज्य है, और ऐसे में देखिए गीता प्रेस की जो प्रिंटिंग मशीनें हैं, जिस तरीके की तमाम व्यवस्थाएं हैं, वो प्रधानमंत्री को गीता प्रेस के संचालक दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ में गीता प्रेस के जो संचालक हैं, मैनेजर हैं, वो मौजूद हैं, वो बता रहे हैं कि किन कठिनाइयों से गुजरकर गीता प्रेस ने हमेशा लोगों के मन में धर्म के संचरण का बीड़ा उठाया है और उस बीड़े को सफलतापूर्वक निष्पादित भी किया है। और देखिए एक अहम बात जो शायद आपका ध्यान ना गया हो, न्यूज इंडिया उस पर आपका ध्यान लेना चाहेगी। देखिए लीला चित्र मंदिर इसका नाम है जहां पर प्रधानमंत्री इस समय मौजूद हैं और मंच पर पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, साथ में योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं, आनंदीबेन पटेल राज्यपाल उत्तर प्रदेश की, वो भी कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। साथ में दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी कार्यक्रम स्थल में मौजूद, साथ में गीता प्रेस के संचालक भी मंच पर आसीन। छोटे छोटे बटुक मंत्रोच्चारण के साथ प्रधानमंत्री का स्वागत करते हुए रवि किशन सांसद हैं गोरखपुर के, कार्यक्रम स्थल में मौजूद हैं, मंच पर बैठे हुए हैं। विश्व शांति मंत्र, विश्वे देवाः शांति सर्व शांति, शांति रापा शांति औषधया, शांति मंत्र का उद्घोष ऋषिकुल के विश्व में शांति हो, एकता हो, एकाग्रता हो, और भारत इस एकाग्रता इस शांति का नृतत्व कर रहा हो, इस ज्ञान का नृतत्व कर रहा हो, इस स्वप्न से बड़ा कोई स्वप्न नहीं हो सकता।
इस संकल्प से बड़ा कोई संकल्प नहीं हो सकता। 24 पर नजर है और राह है उत्तर प्रदेश, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में ऊंट किस करवट बैठेगा ये किसी को पता नहीं चलता अंत तक। अमिट छाप छोड़ जाती हैं। आज की तिथि भी उन्हीं तिथियों में से एक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गीता प्रेस में पदार्पण के साथ नए इतिहास का निर्माण हो रहा है। आदरणीय मंच का स्वागत और गीता प्रेस का अति संक्षिप्त परिचय देने के लिए आमंत्रित करता हूं ट्रस्टी श्री देवी दयाल जी अग्रवाल को। श्री देवी दयाल जी अग्रवाल, वसुदेव सुतम देवम कंसचाड़ूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। पदम परम आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी, पूज्य श्री महाराज श्री तथा उपस्थित श्रेष्ठ जन, आज का कार्यक्रम भगवान की अक्षय कृपा से हो रहा है। इस अवसर पर जगत नियंता को नमन करते हुए गीता प्रेस के संस्थापक परम श्रद्धे श्री दयाल जी गोयंदका का स्मरण करता हूं, जिनकी संकल्प शक्ति का परिणाम आज गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह के रूप में, शताब्दी वर्ष समापन समारोह के रूप में मूर्तिमान है। एवं साथ में स्मरण करता हूं कल्याण के आदि संपादक श्री भाई जी हनुमान प्रसाद जी पोद्दार एवं स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज को, जिनकी तपस्या से यह पुष्पित एवं पल्लवित हुआ। प्रणाम करता हूं ऐसे अनेकों संत महात्माओं को, जिनके अनुभवों के आधार पर आध्यात्मिक पथ के साधकों को परम लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा प्राप्त हुई। सर्वप्रथम मैं गीता प्रेस परिवार की तरफ से वैश्विक नायक देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, जिनकी उपस्थिति से आज गीता प्रेस गौरवान्वित हो रहा है। आज मैं गौरव की अनुभूत कर रहा हूं। मुझे देश के एक ऐसे प्रधान सेवक का स्वागत करने का सुअवसर मिला है, जिनकी विश्व मंगल की भावना ने देश को इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि आज अनेकों राष्ट्र इतनी ऊंचाई तक पहुंचा दिया है कि आज अनेकों राष्ट्र नीति निर्माण में भारत की तरफ देख रहे हैं। एक ऐसे व्यक्तित्व के अभिनंदन का करने का सुयोग मिला है, जिनके मन में राष्ट्रीय संस्कृति तथा सांस्कृतिक प्रतीतों के प्रति संवेदना है। अभिवादन करता हूं उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय आनंदीबेन पटेल जी का, जिनका आशीर्वाद गीता प्रेस को मिलता रहता है। सोचता हूं पूज्य श्री महाराज जी का स्वागत कैसे करूं। शताब्दी वर्ष समारोह को मनाने का सुझाव पूज्य श्री महाराज जी ने ही दिया था और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी पूज्य श्री महाराज जी ने ही बनवाई है। आपके ही निर्देशन में यह आयोजन हो रहा है। मैं पूज्य महाराज जी को सादर प्रणाम करता हूं। गोरक्ष पीठ का आशीर्वाद और मार्गदर्शन सदा से ही संस्था को मिलता रहा है। स्वागत करता हूं अपने सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ला जी का एवं जनप्रतिनिधियों का, जिनकी उपस्थिति हमारा संबल है। गांधी शांति पुरस्कार 2021 का गीता प्रेस को मिलना हमारे लिए, सनातन धर्म प्रेमियों के लिए तथा आध्यात्मिक जगत से जुड़े करोड़ों पाठकों के लिए गौरव की बात है। इसके लिए गीता प्रेस परिवार, माननीय प्रधानमंत्री जी, पूज्य श्री महाराज जी एवं भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के प्रति
आभार व्यक्त करता है। मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज हम ब्रह्मलीन परम श्रद्धे श्री जयदयाल जी गोविंदका के दिखाए मार्ग से 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण करके आगे की यात्रा में पदार्पण कर चुके हैं। इस यात्रा में छपाई की ट्रेडिल मशीन से आधुनिक वेब ऑफसेट मशीन तक पहुंच चुके हैं। प्रिंटिंग एवं बाइंडिंग के लिए अनेकों देशी विदेशी मशीनों का प्रयोग कर रहे हैं। लगभग 2 लाख वर्ग फीट में फैला प्रेस सुदूर भारत के कोने कोने में उनकी भाषा में सत साहित्य उपलब्ध करा रहा है। 15 भाषाओं में लगभग 1800 तरह की पुस्तकें प्रकाशन में हैं। गीता प्रेस आज पाठकों की रुचि को देखते हुए 500 से अधिक पुस्तकों को अपनी वेबसाइट पर पढ़ने के लिए उपलब्ध करा चुका है तथा और पुस्तकों को उपलब्ध कराने का कार्य प्रगति पर है। कल्याण मासिक पत्रिका जो सन 1926 से लगातार अभी तक प्रकाशित हो रही है, इसका यह 97वां वर्ष चल रहा है। गीता प्रेस एक ऐप पर भी काम कर रहा है, इस पर गीता प्रेस से प्रकाशित पुस्तकों को उपलब्ध कराने की योजना है। जिस